तो ये तो अब जांच का विषय है कि कैसे किस प्रकार से आग लगी है और उसके उसके पीछे क्या कारण था। वो जांच पुलिस के द्वारा भी की जा रही है, इंश्योरेंस एजेंसी है वो भी अपना असेसमेंट कर रहे हैं। सर लगभग कितने का नुकसान है? अभी नुकसान का कोई असेसमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब असेसमेंट होगा प्रॉपरली चेक करने के पश्चात कि उसमें कितना सामान था, क्योंकि जो स्टोर रूम है उसका कुछ पोर्शन मतलब या मैं कह सकता हूँ जो जिस विंग पे रखे हुए थे सामान रखा हुआ उसको में आग लगी है। तो ये तो असेसमेंट करने के पश्चात बाद में हम लोग सही तरीके से जानकारी का नहीं हुई है, मात्र एक पोर्शन पे जो घटना हुई है उसको अभी 5-6 दिन के अंदर। क्या जला है क्या सर? हाँ जला है, वो स्टोर रूम पे कुछ सामान था जो सोफा है या इस प्रकार के जो टेबल्स है फर्नीचर का सामान था वो डैमेज हुआ है, वो जला है। तो उसको उसका असेसमेंट केयरटेकर से हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि साजिश के तहत आपके भी एक दावे किए जा रहे हैं कि उससे भी हो सकता है लोग आ रहे हैं वहाँ पर लगातार। देखिए इसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि साजिश अगर हुई है तो पुलिस भी जांच कर रही है, और कल रात में भी मैं यहाँ पे जब था तो SSP साहब भी थे साथ में हमारे, तो उनके साथ भी हम लोग यही किया था कि इस एंगल पे भी जांच कर ली जाए कि अगर, क्योंकि इनका कहना है कि एक साथ 3-4 जगह से आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी, तो ये अगर जो शॉर्ट सर्किट का मामला है या किसी ने किसी प्रकार की शैतानी की है या उस प्रकार का मिसचीवियस एक्ट हुआ है तो उसकी जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है।